सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कब साथ निभाते हैं लोग, आंसुओं की तरह बदल जाते हैं लोग। वो जमाना और था, लोग रोते थे औरों के लिए, आज तो अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं लोग। जिंदगी दो दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। शांति से ही दुखों का अंत हो जाता है, और शांतचित मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आज का पंचांग, दिन रविवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम 4:53 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र सुबह 10:49 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय, शाम 4:34 से 5:54 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय, दोपहर 12:13 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में इतने झगड़े क्यों होते हैं? शायद आपको ही अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। अगर आप और सकारात्मक और सहन शक्ति वाले व्यक्ति बन जाए तो आप अपने घर में खुशनुमा माहौल पैदा कर पाएंगे। याद रखें, गलती हर इंसान से होती है, कोई भी संपूर्ण नहीं होता। अपने परिजनों के साथ इज्जत से पेश आए, परिणाम स्वरूप वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी। पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की आप सोच रहे हैं वह आज होने की उम्मीद है। खासी शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बढ़ जाएगी। आज की ग्रह स्थिति पर नजर डाली जाए तो आप अपने खर्चों से थोड़ा सावधान रहें, वह आपकी पहुंच से बाहर निकल सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन आप खाने पीने में बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, जिसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। भाग्य आपके साथ रहेगा, जैसे नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलेगी और बिजनेस करने वाले लोग अपने क्षेत्रों से बिजनेस का लाभ उठाएंगे। पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पिताजी की सेहत खराब हो सकती है। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन मन बेहतर अनुकूल रहेगा, लेकिन शादीशुदा जीवन में कुछ तनाव दिखेगा। आज व्यापार में अच्छी बिक्री को दर्शाने वाला दिन रहेगा, यानी कि आज व्यवसायिक स्थल पर अच्छी खासी चहल पहल होगी। सावधानियां, घर परिवार में सदस्यों से अच्छा व्यवहार करें, वरना वाद विवाद होने की संभावना भी है। अपने कर्मचारियों को अच्छे से रखें, वरना वह कंपनी भी छोड़ सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अचानक अपने भीतर काफी आत्मविश्वास महसूस करेंगे और आपको अपने रोमांटिक संबंध के मामले में भी अपनी अलग पहचान को समझने की जरूरत है। आपको यह समझ आने लगेगा कि मर्यादित सीमाओं से संबंध में मर्यादा और सम्मान आता है। आप पहली बार अपने आप से ये सीमाएं लागू करने की सोचेंगे। इस बारे में आपकी सोच काफी स्पष्ट है कि आपको अपने रिश्ते में क्या नहीं चाहिए। बात करते हैं करियर की। यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें। ये धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये याद रखें कि एकता में बल है।
इसलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार और अपनी सेहत के लिए कोई दृढ़ संकल्प वाला कदम उठाने में बिताएं। आज आप काफी सख्त शारीरिक एक्सरसाइज वाली क्लास ज्वाइन या कोई डाइट शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह भी तय है कि आप चाहे जो सोचें उस पर आसानी से चल पाएंगे। आप मानसिक सेहत के लिए भी सांस के एक्सरसाइज तथा योग आदि कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आज कम होगी और आप इससे काफी हद तक आराम महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।